आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्रे करना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। कमेंट में आमीन लिख लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप भी फैमिली वाले हो और हम भी फैमिली वाले हैं। किसी का बिछड़ना बहुत दुख देता है। ठीक बा ओके राड दे दो। तो हो गई है लोडिंग कम्प्लीट। 10-7 रुपया हमने किया है पीछे से, देख सकते हो आप लोग पीछे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आपका अपना भाई केमार इशफाक। अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोडिंग करने के लिए आए थे, तो अभी अभी ट्रेन आने वाली है, बस शाम तक ट्रेन आ जाएगी, तो लोड करके फिर निकलेंगे हम यहाँ से। तो आपको भी दिखाते हैं कैसे ट्रेन में लोड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस, आ गई है ट्रेन। कल से हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे चम्मल का, तो ट्रेन आ गई है वो भी बिल्कुल। हम यहाँ पे ये देखो गाड़ियाँ किस तरीके से लग गई है। तो अभी हमें लोड करना है यहाँ पे, ये देखिए इनको 6 बक्सा छोड़ के बाकी इधर खोल लेना। ओ, फिर तो आगे जाना पड़ेगा, ये लास्ट वाला है। अरे कोई बात नहीं, है नू बक्सा यहाँ तक रहेगा। ओ ट्रेन रुक जाओ, फिर आगे जाना पड़ेगा हमको ट्रेन। ओ ट्रेन ही नहीं रुक रही है। ओ रुको ट्रेन, प्लीज ट्रेन रुको। ओ ठीक बा ओके राड दे दो। ओ था लगा फोन उसको जल्दी डालो। हो चंबल, हो ओ चंबल का इंतजार कर रहे हैं यार, इधर पागल हो गए यार इधर इस धूल में यार। ओ ये लो राड, चंबल का इंतजार कर रहे हैं यार, चंबल भाग। तो बिल्कुल दोनों गाड़ियां जो है साथ साथ में लगी है। वो साहिल किधर गया? चला गया। वो वाली टाल जो है कंप्लीट हो गई, अभी दूसरी टाल चल रही है, 45 आ गए उसमें, तो अब ये वाली चल रही है। तो 45 की फिलहाल भरेंगे, देखेंगे फिर कितना आएंगे। 45 × 9 हो गए 405, फिर 5 ठेले और कहीं भरेंगे, क्योंकि 410 भरने हैं। मेरी गाड़ी में 410 बाकी, देखेंगे। वो माइक की गाड़ी जो है 425 पास करती है, हमारी गाड़ी जो है 410 ही पास करती है, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ऑलरेडी वज़न बहुत ज़्यादा है। मेरी गाड़ी 10-800 निकलती है, खाली गाड़ी फुल टैंक करके 10-790 निकलती है मेरी गाड़ी। और माजिद भाई की जो है 102 निकलती है, साहिल भाई की 98, क्योंकि मेरी गाड़ी खाली 18 टन पास करती है टोल पे, उससे ज़्यादा नहीं। तो लोडिंग कंटिन्यू चालू है, बस तीनों गाड़ी की लोडिंग जो है इकट्ठी हो जाएगी, बस अभी कुछ नहीं करना है। फिर लास्ट में डाला बांध, अट्टा बांध और रसा त्रपाला निकलेंगे फिर। तो हो गई दूसरी वाली डांस कंप्लीट, 45 की भरनी है। पिछले चक्कर 400 ले लिया था, आज 410 लेंगे। तो दूसरी डांग भी कंप्लीट, अब तीसरी डांग ये देखो आ गए 10 इसमें। तो पूरा गिनना है, क्योंकि आगे अगर फिर एक ठेला काम हो गया तो वो पाए बाड़ा भी काटता है और पैसे भी काटते हैं, तो उसी वजह से यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है हमेशा। क्योंकि ये नहीं सोचना आगे जाके हमें अपनी खाद है या अपने किसी जान पहचान वाले को डालना है, वहाँ पे नहीं मानेंगे फिर। इसीलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं हमेशा कहता हूँ रेस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर्स, फिर कोई नहीं करता है, क्योंकि जब वो अपने आप पे उतरते हैं फिर व्यापारी लोग, फिर वो नहीं मानेंगे। इसलिए ख्याल रखना, चाहे कोई भी माल, ये नहीं है खाद है, हर कोई माल जो भी माल है बस खुद गिनना हमेशा। तो तीन टाले हो गए कंप्लीट, चौथी टाल चल रही है अभी। तो ये वाली जो है ये वाली चौथी है, क्योंकि तीसरी वो है ये चौथी है। तो यहाँ तक आएंगे 45, इससे बाद फिर 46 की करेंगे लास्ट के 5, तो वही बनेंगे फिर 410 बराबर। तो अभी बिल्कुल
एक एक ताल जो है ऐसे नाव नाव की चढ़ रही है, नाव पंचे हो गए 45। बिल्कुल बराबर बातों तक गई है, क्योंकि ये 45 की किलो की खाद है ना, ये 50 किलो की नहीं है, तो उसी वजह से जो है हाइट बराबर बातों तक रहती है। तो चौथी टाल चल रही है अभी, ये देखो ये वाली चौथी टाल जो है ये 48 की हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जगह था तो यहाँ पे 48 की किया, क्योंकि बातें के जगह जो है उधर मुश्किल होता है, उधर फिर 45 आते हैं जोर से, तो इसीलिए ये वाली टाल जो है 48 की भर ली है चौथी वाली, क्योंकि फिर आगे ठेला आगे पीछे भी होता है, तो मगर यहाँ पे गिन के 48 की भर लिया, क्योंकि ठेला फिर चल के फिर आगे भी जाएगा या पीछे भी जा सकता है, तो 48 की भर ली ये वाली टाल। बस अभी दो काम रह गए, हो गए 5 टाल कंप्लीट, तो ये वाली छठी टाल है, 5 हो गए वहाँ तक कंप्लीट, तो इस वाले में आ जाएंगे 47, तो फिर हो जाएगी, फिर लास्ट 3 के आ जाएंगे 45, तो फिर वही हो गए 410। तो ये वाली जो है ये छठी वाली टाल, बस इसके बाद 3 टाल भरने हैं तो हो जाएगी लोडिंग कंप्लीट। देखो ये देखो ट्रेन में कैसे लोड होती है, ये ट्रेन में लोड है इधर से भी, तो हो गई है लोडिंग कंप्लीट। तो ये देख सकते हो आप लोग, लोडिंग जो है कंप्लीट हो गई है पूरी, तो ये ट्रेन भी बस खाली होने वाली है, अब ये यहाँ पे रखेंगे सारा खाद और ट्रेन को छोड़ेंगे, और माजिद भाई की गाड़ी भी बस कंप्लीट होने वाली है, लास्ट की टांग इसमें भरनी है, तो निकलेंगे यहाँ से। साहिल भाई निकल गया आगे, तो पहले रस्सा त्रपाला करके कंप्लीट फिर निकलेंगे यहाँ से, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो हो गई है लोडिंग कंप्लीट, रस्सा त्रपाला हमने किया है पीछे से, देख सकते हो आप लोग पीछे से अपनी गाड़ी का रस्सा त्रपाला हो गया, तो अभी बस इसमें 2 मिनट लग जाएंगे इस गाड़ी में, कितना हुआ ओ माजिद भाई की गाड़ी में, ये देखो लास्ट डांग, बस इसमें 10 ठेले और भरने हैं तो हो गया है कंप्लीट, तो निकलेंगे फिर, ये देख सकते हो आप लोग, ये अपना बादशाह रेडी, बस सभी में चढ़ जाऊंगा तो फिर आगे रुकेंगे। तो गाइस हो गई सारी गाड़ियां लोड, ये है माजिद भाई की गाड़ी और मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, और ये है साहिल भाई की गाड़ी, क्योंकि साहिल भाई की गाड़ी जो है सबसे पहली हुई, क्योंकि अकेला जो बंदा होता है ना उसके साथ हल्ला होता है हमेशा, ये अकेला था तो सबसे पहले गाड़ी जो है इसी की लोड हुई है, तो फिर उसके बाद मेरी और अब माजिद भाई की। सो गाइस पहुंच गए हम अभी ऊपर, नीचे उधमपुर से तो आ गए ऊपर, थोड़ा ही 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़े, अभी आगे हम मेन रोड पे जाना है, लेकिन गाड़ियां सारी रोकी है यहाँ तक लाइन है, क्योंकि आज खाद का सीजन है तो गाड़ियां बहुत ज्यादा है इधर, तो गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि श्री रामबन में लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पे गाड़ियां 2 बोरे की अभी दाब गई है और वो वहाँ गाड़ियां नहीं निकाली है, तो आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्रे करना, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता करे, कमेंट में आमीन लिख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप भी फैमिली वाले और हम भी फैमिली वाले हैं, किसी का बिछड़ना बहुत दुख देता है गाइस। तो और अभी शाम का अपडेट ये था कि एक बाइक की मतलब एक बंदे की डेथ हुई थी और 6 जख्मी थे, तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी शफा अता करे और उनकी फैमिली वालों को सब्र अता करे। तो ये पता है ना ये रोड इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस, मतलब ऐसे हम नहीं बोल रहे कि ड्राइवर को इज्जत करो ड्राइवर को इज्जत करो, ये ना कोई रीज़न है यार, अभी आप देखो ना हम इस रोड पे जाएंगे ना, जस्ट आज हुआ पता नहीं हम रात को जाएं कल सुबह जाएं, लेकिन जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा डर लगा है। और इस रोड पे ना कोई कोई जगह है जो नॉमिनेट है कि हाँ यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, जैसे पंथाल है, कैफ्टीरिया है, केला मोड़ है, मतलब ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे नॉमिनेट है, लेकिन अब जब ये अचानक से होता है ना फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। वहाँ पे कभी भी अभी तक तो नहीं हुई थी लैंडस्लाइड ऐसी, अचानक से लैंडस्लाइड हुई और ये, और आपको पता भी है कि ट्रक ड्राइवर हम पूरी रात रात बाद दिन दिन भर जाम में रहते हैं, एक एक जगह पता नहीं 1-1 घंटे कभी कभी 3-3 घंटे भी रुकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ड्राइवर भाई है ना जो भी इस रोड से चले उनके लिए दुआ करा करो, उनको ना इज्जत दिया करो, ऐसा नहीं करो कि 2 कोड़ी के लोग है कि इश्वाक भाई है कि नहीं, कुछ लोग उनका जहन ही खराब होता है जो लोग बोलते हैं ड्राइवर 2 कोड़ी के होते हैं, तो ये तो हर किसी को पता है ट्रक ड्राइवर कितनी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, लगभग 10-12 दिन के बाद घर पहुंचते हैं वापस, तो ये तो हर किसी को पता होता है। बाकी कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है ट्रक ड्राइवर है क्या चीज, तो उनको भी हम कहते हैं फिर से
अल्लाह ताला उनको हिदायत करे कि अल्लाह ताला उनको ना ये सोच समझ दे कि हर कोई ड्राइवर या हर कोई गलत नहीं होता, अगर वो गलत भी होता है ना तो हदीस है कि अगर आप किसी को गलती करते हुए देखोगे ना उसको पर्दा करो, ऐसा नहीं करो कि उसको उछालो, उसकी गलती को उछालो। लेकिन एक चीज़ है भाई, देखो आपने कल जिस भाई ने भी बोला, अब हम नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई आपने कल बोला कि ड्राइवर दो कौड़ी के होते, भाई ड्राइवर दो कौड़ी के नहीं होते, ड्राइवर का पेशा जो है ना ये बहुत बड़ा पेशा है, हमको पता है, क्योंकि आमतौर बोलते हैं ना खून पसीने की कमाई, ड्राइवर की खून पसीने नींद की कमाई होती है, हम अपनी नींद को मार के ना रोड पे चलते हैं, हम अपनी फैमिली को घर पे रखते हैं, इशफाक भाई के छोटे छोटे बच्चे, टाइम पे मेरे अंदाज से सबसे जो खाना हलाल का खाते हैं वो खाली ड्राइवर खाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करना यार, मतलब दिन भर थकना गर्मियों के साथ, और खासकर झुंझुनू नगर वाला हाईवे जो है ना इस पे चलना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, हर किसी ड्राइवर भाई के लिए रिस्की होता है। अभी आप देखो मतलब हो गया ये, फिर भी हम चल रहे हैं, तो हर भाई से रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर की ना इज्जत करो, कहीं भी ड्राइवर देखो ना उसकी इज्जत करो, अगर किसी को मदद चाहिए ना उसकी हेल्प करो, हम ये आपसे बोल रहे हैं। अब एंड सोशल मीडिया, मतलब आप बोलोगे हाँ व्लॉगिंग करना हर किसी बच्चे को आती है, हाँ आती है, हम मानते हैं हर कोई बच्चा आजकल के ज़माने में व्लॉगिंग होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ़ोन उठाओ, लेकिन भाई वो देखो ना ड्राइवर क्या दिखा रहा है, हम ये दिखा रहे हैं ना हमारे मसले कैसे, हमारी मकसद भी हमारी जिंदगी कैसे बीतती है, हम कैसे चलते हैं, हम क्या करते हैं। भाई अगर व्लॉगिंग नहीं ना होती ड्राइवर की तो किसी को नहीं पता चलता ड्राइवर का कैसे रहता है, क्या करता है ड्राइवर, ये इसी चीज से पता चलो, और ये हमें पता है, और जो भी ड्राइवर भाई है ना ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ड्राइवर भाई को पता है कि इससे कितना फर्क आया जब से सोशल मीडिया आए, जब से व्लॉगर है, ट्रक व्लॉगर, बहुत सारे ट्रक व्लॉगर है, हम ये नहीं बोलेंगे खाली हमें, बहुत सारे ट्रक व्लॉगर है, इनसे बहुत ज्यादा बहुत चेंजेस आई है, और जहां भी जाते ना खासकर बोलते हैं आप कश्मीर से हो ना भाई, हाँ हम आपके भी, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जानते हैं खासकर ड्राइवर, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि ऐसा नहीं बोलो, बाकी अगर आपको यही शौक है कि ड्राइवर को उछालना तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम भी ड्राइवर, इशफाक भाई ड्राइवर है, मैं ड्राइवर, सारे ड्राइवर हैं इधर, और भाई भी बैठे, ड्राइवर चुप नहीं, हाँ क्योंकि इससे हमारा घर चलता है, और जो हमारी रिजक के ऊपर आंख उठाएंगे हम उसकी आंख निकाल देंगे भाई, सीधी सी बात है, अभी हम आपको सीधे बोल रहे हैं कि हमारे ये रिजक है, कोई भी आपके रिजक पे लात मारे ना उसकी लात काटनी चाहिए, तो ये हमारा रिजक है, तो आइंदा कोई भी गलत नहीं बोलना, ये हम आपको बता रहे हैं, तो सुधर जाओ अगर अभी भी मौका है, अच्छे से रहो, आप अपना काम करो, हमें ये नहीं कि हमारे मसले में मत रहो, आप अपना काम करो, मसले में टांग नहीं अड़ाओ, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दो, हमारे मसले में टांग नहीं अड़ाओ, ये हम आपको बोल रहे हैं। तो बाकी भाई अभी इधर ही देखेंगे आप किस्मत में कब होगा, कब निकलना होगा यहाँ पे, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जो भी भाई वहाँ पे जख्मी हुए उनके लिए प्रे करना, उन जिनकी डेथ हुई है तो उनके लिए भी दुआ करना, उनके लिए अल्लाह ताला अगेन जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे, तो बाकी उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को सब्र अता करे, क्योंकि बिछड़ना हम क्या ही बोले, दुखी है एंड खुद भी हम डरते हैं, तो बाकी हम सब भाइयों के लिए भी दुआ करना है कि हम जैसे घर से आए थे अच्छे से इंशाल्लाह यहाँ से भी अच्छे से पहुँचे। तो अभी पहले देखते हैं खाना खाते, अगर छोड़ी कानवाई तो बताएं।